दोस्तों, अगर आप एक MBBS एस्पिरेंट हैं या फिर आप एक नीट एस्पिरेंट हैं और इस बार जाने वाले हैं आप अपने ड्रीम MBBS कॉलेज, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। एक इम्पॉर्टेंट अलर्ट मैसेज है आप सभी के लिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मेडिकल स्टूडेंट का जो कहते ना कैरियर होता है, जो लाइफ होती है, बहुत ही क्रिटिकल होती है। कुछ भी गलत हो इंडिया में ऑलवेज एक मेडिकल एस्पिरेंट ही टारगेट किया जाता है। आप हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हो, एक गलती होती लोग आपको मारते हैं, इसके लिए कोई लॉ नहीं है। आप नीट एग्जाम देते हो, उसमें भी कई बार स्कैम होता है, पेपर आउट होता है, एंटी स्कैम पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। और इन सब चीज़ों को करने के बाद जब आप जाते हो एक ड्रीम MBBS कॉलेज, तो वहाँ पर भी बच्चों के साथ बहुत कुछ गलत होता है। रिसेंट घटना जो है बेसिकली ये यूपी के बरेली के रुहेलखंड यूनिवर्सिटी के एक मेडिकल कॉलेज में हुई। यहाँ पर क्या, बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई की, पेपर दिया, लेकिन कॉलेज प्रशासन की गलती से 24 बच्चे ऐसे थे जिनको बैक लग गया। अब एक बच्चा जो रात रात जाग कर पढ़ाई करता है, जब उसको बैक लगता है ना, तो कितना बुरा लगता है। और ना सिर्फ यूपी, ऐसे बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, अलग अलग स्टेट्स में होता है। बच्चे श्योर थे, उनको ये पता था कि मैंने अच्छा स्कोर किया है, मैंने मेहनत की है, तो उन्होंने कॉलेज प्रशासन और अपने जो मार्क्स को लेकर चैलेंज कर दिया। और फाइनली जो है, जब दोबारा कोर्ट के आदेश पर रिचेकिंग हुआ, दोबारा चीज़ों को वेरीफाई किया गया, तो सभी बच्चे क्वालिफाइड थे और सभी के अच्छे मार्क्स थे उनके एग्जाम में। तो इसीलिए अगर आपका भी बैक आया किन्हीं कारणों से और अभी तक आप उन चीज़ों को हल्के में लिए हैं, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। कई बार आपकी मेहनत में कमी नहीं होती है, कॉलेज प्रशासन की गलती, उनकी लापरवाही से बहुत से बच्चों को एक बार, एक साल, दो साल रिपीट करना पड़ता है। इवन एक घटना KGMC से भी आई थी अभी 5-6 महीने पहले। एक लड़का था, इसको लगातार 6 ईयर से बैक लगता जा रहा था और वो ऑलवेज उसको प्रैक्टिकल में कॉलेज प्रशासन फेल कर देता था। तो इसीलिए आप जो है अपने कॉलेज प्रशासन से अच्छे संबंध बना के रखें। और अगर आपको डाउट है, तो आपको NMC ने पूरा पावर दिया है कि आप अपने अधिकारों के लिए NMC से गुहार लगाएं, उसे रिक्वेस्ट करें, वो आपकी हेल्प करेगा। तो सभी बच्चे जो नीट एस्पिरेंट हैं, जो MBBS एस्पिरेंट हैं, आप प्लीज़ बी केयरफुल और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। सो इस इंपॉर्टेंट वीडियो में इतना ही। एट लास्ट आप सभी का थैंक यू सो मच। जय हिंद।